मैं राधे राधे आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और आज एकादशी है तो एकादशी के लिए भी आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक्चुअली ना मुझसे भूखा ही नहीं रहा जा रहा, मेरे को इतनी भूख लग रही है, घबराहट सी हो रही है, लेकिन मैं फिर भी रखूंगी व्रत। बस अभी जाके चाय बनाती हूँ। लेकिन इससे पहले कि ब्लॉग को आगे बढ़ाए, मॉर्निंग में क्या हुआ, एक अंकल थे, बाबा तो नहीं, साधु नहीं थे वो, ऐसे ही थे वो ना, वो था जैसे डबली होती है उस पर भजन गा रहे थे और सब लोगों से दक्षिणा ले रहे थे। तो फिर मैंने उनको दक्षिणा दी तो मैंने कहा अंकल एक मिनट मेरे लिए गा दीजिए, मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो उन्होंने एक मिनट और गाया, तो आप उनका बहुत ही बढ़िया और क्या खनक थी उनकी आवाज़ में, वो भजन सुनिए। और मैं तब तक चाय वाय बनाती हूँ, उसके बाद थोड़ा फ्रेश होके आप लोगों से मिलती हूँ। लक्ष्मण को लाना हनुमान, लक्ष्मण को लाना हनुमान, बालाजी मेरे घर आना। तो जी दोस्तों, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे मैं शॉप पे पहुंच चुकी हूँ। शाम हो गई है, 5 बज गए होंगे, और 5 बजे खुलती हूँ शाम को मैं शॉप, किसी दिन और लेट भी हो जाती है। तो दोस्तों देख सकते हो गई बारिश स्टार्ट, झमाझम एकदम, घर कैसे जाया जाएगा मैं तो ये सोच रही हूँ अब। देखो दोस्तों और तेज बारिश स्टार्ट हो गई, अभी तो अंदर तक पानी आ रहा है। तो जी बारिश का तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, आप बैकग्राउंड म्यूजिक में आप बारिश की आवाज़ सुनिए। और मैंने 4 आसन बना दिए हैं, 5th में बना रही हूँ, देखती हूँ कितने देर काम कर सकती हूँ। अभी 6 बज गए हैं, थोड़ी देर और करती हूँ फिर थोड़ा पढ़ाई कर लूँगी, क्योंकि एक ही काम करते करते भी थोड़ी सी बोरियत हो जाती है। बनाते बनाते और मेरे फोन की मेमोरी ना, रोज मैं एक एप्लीकेशन डिलीट करती हूँ और रोज भर जाती है, पता नहीं इसमें कुछ गड़बड़ चल रही थी। तो अभी मैं वो वीडियो देखने लगी तो मैंने काफी सारा स्पेस बना लिया अपने फोन पे। आपको एक और चीज दिखाती हूँ क्योंकि फिर मुझे निकलना है कि मैंने इतने सारे छोटे छोटे आसन बना लिए, जो माता रानी के लिए, लड्डू गोपाल जी या किसी भी भगवान जी की प्रतिमा को बिठाने के लिए, श्री विग्रह को बिठाने के लिए यूज हो सकते हैं। तो ये वाले बनाए मैंने इस कपड़े के, और इसमें सिंपल सी ये वाली लेस लगाई है, क्योंकि हैवी अलग डिजाइनर लेस के ऑलरेडी मैं बहुत सारे बना चुकी थी। तो ये 10 हैं टोटल, तो इनको अब मैं कर देती हूँ पैक और थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ फिर निकलती हूँ घर के लिए दोस्तों। सो गाइस, वैसे तो आज है संडे की मॉर्निंग, यहाँ से एक दूसरा व्लॉग स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन कल मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैं सो गई और ना ही एडिटिंग कर पाई और ना ही व्लॉग एंड कर पाई। और आज सुबह सुबह एक इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी हो गई और मैंने सोचा उसको शेयर करती हूँ, और उसके साथ ही उस कल वाले व्लॉग को पहले यहाँ पर एंड करते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ कि मैंने मिल्क बास्केट से बहुत सारा ग्रोसरी का सामान, दूध, सब्जियाँ, बहुत चीज़ें मंगा रखी थी और मैंने अपलोड कर दिया, सब कुछ हो गया। तो मिल्क बास्केट से सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सामान वो गेट के बाहर छोड़ के चले जाते हैं। अब मैं उठी 7:30-8 बजे और मुझे लगा चलो चाय बना लूँ, तो अदरक नहीं थी। फिर मुझे ध्यान आया अच्छा मेरा तो ऑर्डर आना था, मैंने बाहर जाके देखा तो कोई सामान नहीं था, मैं बड़ी हैरान करते करते 8 बज गया। और उसके बाद जब मैंने एप्लीकेशन में जा करके देखा था वो डिलीवर्ड दिखा रहा, मैंने सोचा डिलीवर तो आया नहीं, किसी ने उठाया, ऐसा हो नहीं सकता गेट पे से सामान। फिर मैंने ध्यान से देखा एप्लीकेशन के ऊपर, तो उसमें हाउस नंबर मेरा गलत लिखा हुआ था। अब था वो हाउस नंबर सोसाइटी का ही, तो मैं पूछते पूछते उनके घर पहुंच गई जिनके यहाँ सामान चला गया, लेकिन वो लोग इतने जेन्युइन अच्छे, तो उन्होंने बाहर ही रखा हुआ था सामान। तो फिर मैंने ना दोस्तों आवाज़ दी और एक आंटी आई, मैंने कहा आंटी मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था वो गलती से आपके यहाँ आ गया, अगर आप कहें तो मैं ले लूँ अपना सामान। तो गई हाँ हाँ ले लो, हमने तो उसको मना भी किया था लेकिन वो जबरदस्ती रख के गया कि नहीं यही एड्रेस है। तो ये कहानी भी, फिर मैं अभी लेकर के सामान आई घर पे। तो बात है आज सुबह सुबह ये हुआ, लोग भी हंस रहे थे कि बताओ अब पता नहीं वो गलती मेरे से हुई है एड्रेस अपडेट होने में या फिर सिस्टम से हुई है, पता नहीं अब जिससे भी हुई है अभी मैंने करेक्ट कर दिया है एड्रेस। तो इसी इंटरेस्टिंग मजेदार सीरीज स्टोरी के साथ सुबह सुबह मैं कल वाले व्लॉग को करती हूँ एंड। अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।